बारा आयो मरे रे, बंसी बारा आयो मरे रे, बंसी बारा आयो मरे रे, आयो मरे दे, बंसी बारा आयो मरे दे, ओ आऊं आऊं कर गया सावला, आऊं आऊं कर गया आयो मरे दे, आयो मरे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। वो सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। पसीना चमकता है धूप में, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद मेरा भी चमकना शुरू होगा, पसीना निकलेगा जब। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो आए हैं आज, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शो को स्टार्ट करूंगा, बातचीत का सिलसिला आप सभी लोगों से जोड़ूंगा। कहां से आना हुआ है आपका? दिल्ली से ही है। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, सोनिया क्या करती हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। आपका अपना बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो कुछ बोलना नहीं होगा आपको, या कुछ बोलना है? किस बारे में? किसी बारे में भी, आपका जो मन हो, जो इच्छा हो, जो अच्छा लगता है वो बोलिए, जो अच्छा नहीं लगता है वो बोलिए, जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए दिल्ली में वो बोलिए, देश में होना चाहिए वो बोलिए, जो इच्छा हो वो बोलिए। यहाँ पर तो बोलने का तो कोई है ही नहीं, ये शो ही बोलने का है कि जिसका जहाँ मन हो, जहाँ से हो, बोलना शुरू करिए। आपका भी मन हो अगर बोलने का तो कोशिश करिए, एक बार मदद मैं कर दूंगा आपकी। आप स्टार्ट कीजिए, मैं फिर बोलना शुरू। बोले आप स्टार्ट करिए और मैं बोलना शुरू कर दूंगी। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? उत्तम नगर। हाँ जी, उत्तम नगर। उत्तम नगर से, बहुत अच्छा, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा से, आज तो राजस्थान की भी खबर है, जबरदस्त राजस्थान से भी खबर आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान में जाऊं या कर्नाटक में रहूं या दिल्ली में आ जाऊं, या पाकिस्तान की भी खबर बड़ी गर्म है, किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, समझ नहीं पा रहा। हाँ कहिए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं ना बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं आऊंगा बाबू, अक्टूबर में छत्तीसगढ़ आऊंगा, जरूर आऊंगा जी। खबर है? खबर है? क्या खबर है वहाँ छत्तीसगढ़ में? क्या खबर है? चर्चा सर। मेरी चर्चा? ना 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 ना, मेरी चर्चा नहीं हो सकता। आप कहाँ से आई हैं? मैं इमन खान, भोपाल मध्य प्रदेश। वाह, भोपाल से, तालों का ताल भोपाल। मैं आपसे भी बात करूंगा, जरूर बात करूंगा, कुछ इच्छा हो, कुछ बोलना हो जरूर बोलिएगा। और आप जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपके मन में कुछ आया बोलने के लिए? फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं। और आप बाबूजी पानी में रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? यूपी में कहाँ से हैं? सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश से। अच्छा, नाराज ना होइए मुझसे, मैं आया जी। कहिए। चेन्नई से आया हूँ। दिल्ली से? चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई। से आपका पापा ने भेजा है आपका शो देखने के। पापा ने भेजा है आज? हाँ जी, कनेक्टिविटी फ्लाइट थी जयपुर की। हाँ, 3 घंटे का टाइम था तो शो देखने आ गया। शो देखने आ गया, कनेक्टिविटी फ्लाइट थी, 3 घंटे का टाइम था। पापा ने बोला चेन्नई से आए हैं कि शो जरा देख के आओ। क्या नाम है आपका? किशोर भाटी। किशोर भाटी, बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी आप चेन्नई में कितने सालों से हैं? मैं
मेरा जन्म हाँ मैं समझ गया था बॉर्न इन बॉर्डर बाप वहीं से हैं। हाँ उतना देर समझ गया था मैं कि बॉर्न इन बॉर्डर बाप वही राजस्थान चेन्नई में है। शो करो चेन्नई में भी आके है। मुझे आना है चेन्नई में नहीं आया चेन्नई में वैसे तो मैं कई बार चेन्नई गया और लेकिन शो के सिलसिले में जाना नहीं हुआ लेकिन जरूर जाऊंगा ऑफकोर्स आऊंगा। मैंने बोला तो पाप ऐसे तो श्रवण कुमार ही नहीं पैदा होते आजकल कि पापा कुछ कहें। यहाँ लोग पार्टी की नहीं सुन रहे हैं पापा कहें और बात मान ले बेटा ये छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है साहब बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पापा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं जी। बहुत कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। कुछ कहना है क्या? जी सर एक घंटा वेट करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। जो ज्यादा बोलना चाहे उसको जरूर एक घंटा वेट कराने लेकिन नहीं आपसे सुनूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप जी? ये दिल्ली के अंदर जो अपने पहलवान हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जरूर बोलिए। पहलवानों के बारे में बोलना चाहते हैं जरूर बोलिए जी। अपने पहलवान यहाँ बैठे हड़ताल के ऊपर है उनकी दिल्ली सरकार को और पीएम मोदी साहब को उनकी सुननी चाहिए और जल्द से जल्द उनका निपटारा करना चाहिए। मैं इसी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को उनका सहयोग करें जो अपने पहलवान है उनके लिए। थैंक यू सर। जी बिल्कुल और मैंने तो पहले भी कहा है इस बार भी कह रहा हूँ कि पहलवानों की जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए न्याय हो और न्याय होता दिखे भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है उन्होंने भी कुछ बोला है कि खाप तय करेगी तो उन्होंने भी कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है सरकार ने भी बोला है और हम भी यहाँ पे छोटी मोटी जो बात है वो कह देते हैं कि पहलवानों के साथ न्याय हो और जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और जो न्याय है वो न्याय सामने साफ दिखाई पड़े। जी कोई गलत तो नहीं कहा बाबू जी? राइट सर राइट बिल्कुल ठीक कहा ना। अपराधी है तो उसको जरूर सलाखों के पीछे डालें लेकिन अगर अपराधी नहीं है तो जबरदस्ती कोई अपराधी नहीं बनाया जा सकता। थैंक यू सो मच जो मैंने कहा। जी बच्चों बताओ कहाँ से आना हुआ बोलो क्या नाम है? मेरा रूपा। रूपा हाँ रूपा किस क्लास में है आप? मैं टेंथ सी में हूँ। टेंथ सी में? अरे मुझे तो लग रहा था सिक्स में हो तुम टेंथ में। अच्छा तो क्या कर रहे हैं आगे? मैं अभी अपनी कॉमर्स के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। कॉमर्स के लिए ठीक है थोड़ी देर वेट करो मैं आता हूँ। वकील साहब भी आ गए हैं और मैं उनसे भी बात करूंगा जरूर बात करूंगा। जो मेहमान है उनसे पहले मैं तारुफ करा देता हूँ। जो कहाँ क्या हुआ हाथ क्यों उठा रहे थे फिर कंफ्यूजन मत पैदा करो। जी जो मेहमान है अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक है बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज सब्जेक्ट क्या जिसमें बात किसमें होनी है? मुझे नहीं पता मुझे भी नहीं पता है आज। विपिन शर्मा जी पत्रकार हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। धनंजय गिरी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है शो में आते रहे हैं आज भी उनका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय भाई। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अक्सर आते हैं शो में बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। हमारे साथ सत्येन जी मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। और ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद तमाम सारे लोगों के बीच में बातचीत के सिलसिले को रखने के लिए कर्नाटक का मुद्दा है कर्नाटक से बात शुरू की जाए या बात शुरू की जाए पाकिस्तान से या बात शुरू की जाए जयपुर से मैंने ये कहा था लेकिन जहां से बात ऋषि जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं बिहार से आते हैं ऋषि जी मैं वहीं आता हूं। जी कुछ कहना चाह रहे थे इधर कोई हाथ उठा रहा था। जी जनाब विजय कुमार। हाँ बोलिए। हम दक्षिण से। दक्षिण से? दक्षिण में कहां से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो अभी थोड़े दिन बाद बातचीत होगी। जी कुछ वांट टू से समथिंग कहना चाहते हैं कुछ? क्या कहना चाहता है पहले कांग्रेस सरकार में बॉम्ब ब्लास्ट होता था मर जाता पब्लिक मरता था अभी बीजेपी सरकार आ गया हमारा सैनिकों मर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ कांड हो रही है मेरे इस मैच फिक्सिंग है मेरे ये मेरे भाव जनाब अली जी आंध्र से आए हैं बहुत अच्छी बात है। जी ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? आपने राजस्थान की चर्चा की तो वहाँ का इंटरनल राजनीति है अब पायलट क्यों हनुमान जी बात नहीं करेंगे आज बजरंग बली चल रहा पूरे पूरे विश्व हिंदू परिषद ने कह रखा कही आज हनुमान मंगलवार है और हनुमान चालीसा का पाठ होगा आपने किया कि नहीं किया? मैं उसी पे आ रहा था कल भगवान राम हमारे सपने में आए थे और लक्ष्मण जी से गजब है भाई ऋषि जी अंदर आइए बाहर आइए बाहर आइए। क्या हुआ सपने में? भगवान राम हमारे सपने में कल आए थे और लक्ष्मण जी से चर्चा कर रहे थे। अरे भैया लक्ष्मण ये बीजेपी वाले कर्नाटका में मेरा इस्तेमाल नहीं किए
तो बोले भैया आपका ड्यूटी लोकसभा चुनाव में है 2024 में, अभी बजरंग बली लगा। ये इस हाँ हनुमान जी आ गए, इस्तेमाल नहीं किए हैं 70 साल से आपने, कांग्रेस पार्टी ने 11-11 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़ा किए थे। ये हनुमान जी है, हनुमान जी ही है जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर का शिलान्यास किया है, उन्हीं श्री राम जी ने भेजा था, याद करो। अरे वो नरेंद्र मोदी है, जब गए थे राम मंदिर तो उन्होंने कहा था, मीडिया के पत्रकार महोदय गए और उनसे पूछा गया कि आप अब भाई, भाई आपके पास भी राम की एक लीला है, इनके पास भी राम की एक लीला। पत्रकार महोदय ने मोदी जी से पूछा, मोदी जी उस समय कुछ भी नहीं थे, पार्टी के एक छोटे से सिपाही थे, उन्होंने पूछा पत्रकार महोदय ने कि आप बताइए अब अयोध्या कब आना होगा, उन्होंने कहा था कि जब हमारा मंदिर बनने लगेगा तभी हम अयोध्या आएंगे, और आज जब मंदिर बनने लगा और भगवान श्री राम ने, ये किसी है, तुम्हारी देन नहीं है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लगा है जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, और नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था और संकल्प पूरा किया, इसे कहते हैं देशभक्त, इसे कहते हैं राष्ट्रभक्त। जिनके जिनके सपने में भगवान राम आए वो सब लोग अपना हाथ उठवा करो। हैं? जब अयोध्या की तरफ मुंह करोगे तभी भगवान राम दिखाई देंगे, जब करे और लंका की तरफ तो कहां दिखाई देंगे। गजब है भाई, अद्भुत देश है ये सर, ये अद्भुत देश है। यहां की लीलाओं का वर्णन कोई भी कह सकता है कि मेरे सपने में भगवान राम आए थे, और ये इसकी गुणवत्ता है इस देश की और इसकी संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, कोई भी कुछ कह सकता है, और ये उसकी उदारता भी है जी। इनको नहीं मालूम है मैं माँ सीता के धरती से आता हूँ, और यही भाजपा ने अब ये रामलीला में, अब रामलीला में इमोशनल टच आ गया, माता सीता जानकी आ गई हैं, सारे लोग बजाओ ताली। आप विद्वान पत्रकार हैं, लोकसभा में माननीय उस समय के मंत्री महेश शर्मा जी, भाई आज बजरंग बली जी का दिन है, के लिए क्या कहा था, तब जब भगवान राम है तो माँ सीता भी है, ये मानना होगा आपको। और जहाँ तक जी प्रतीक जी, माता सीता हमारा सतीत्व है और राम हमारा अस्तित्व है, कांग्रेस के कलुषित मानसिकता है कि सब पे रोक लगाने का, राम सेतु को तोड़ने का, देश को रखा घेरे में, देश भगवान राम को रखा घेरे में, देश को रखा अंधेरे में। महावीर वो चाहे जो पूंछ को पिरामिड बना के रावण की सत्ता को शून्य कटा देने वाले महावीर को कांग्रेस बांधना चाहती है। अलीगढ़ में क्या दुनिया में वो ताला ही नहीं बना जो महावीर पर ताला लगा सके, महावीर। और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सपने में आए थे, उनका क्या हुआ ये पता है ना आपको? बढ़िया, कहाँ से आना हुआ? सर मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा? आज बड़ी दूर दूर से, कोई चेन्नई से है, कोई आंध्रा से है, यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सही बोलते हैं। जगन्नाथ माटी से आया हूँ, कभी नहीं बोलता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज देश जिस हाथ में चल रहा है वो मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति तो है, एक विचारधारा है, एक सनातन है, और हिंदू धर्म का रक्षा करने के लिए भगवान के रूप से वो धरती में पैदा हुआ है। मैं मोदी जी को कभी इंसान नहीं मानता हूँ, ये कलयुग का एक भगवान का अवतार है, जो ये सनातन सोए हुए थे आज जगे हुए हैं, और ये धर्म का भी रक्षा कर रहे हैं, देश का विकास भी कर रहे हैं, और जिसको जिस हिसाब से जवाब देना चाहते हैं वो इसी हिसाब से डिप्लोमेटिक जवाब भी दे रहे हैं। अब मेरे पापा 40 साल हो गए फॉरेन में थे, मैं भी फॉरेन घूमता हूँ, मैं जानता हूँ आज हमारा देश का पासपोर्ट का वैल्यू क्या होता है। कहाँ पे हैं आप? उड़ीसा में अभी 40 साल से आप कहाँ पे, यही है देश में या देश के बाहर? नहीं नहीं, पापा 40 साल से फॉरेन में थे, मैं दिल्ली में 17 साल से हूँ, मैं भी वैसे दुबई वगैरह जाता हूँ, मैं अपने बिजनेस मीटिंग में वो टाइम भी मैं देखा था, और इस टाइम भी देख रहा हूँ पासपोर्ट का वैल्यू क्या हो चुका है इंडियन का, वो दैट क्रेडिट ऑल्सो ओनली गोज टू मोदी, द क्रेडिट गोज टू ओनली मोदी। अरे कुछ मूड बना बोलने का आपका कि अभी और रामलीला दिखवाएं आपको? हनुमान जी जय श्री राम, बैठे रहो, अभी जब डायलॉग आएगा तभी बोलना, अभी वकील साहब बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहो जी। कहाँ से आना हुआ? पुणे से। पुणे से? क्या नाम? आज बड़े दूर दूर से लोग आए भाई, पुणे से भी हैं, भोपाल से भी हैं, दिल्ली से हैं,
चेन्नई से हैं, उड़ीसा से हैं, आंध्रा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। क्या कहना चाहते हैं आप? आई एम अ प्राउड टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। आई एम वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट, आई एम अ टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री। मैं टैक्स देता हूं इस देश में और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। भाई देखिए, एक बात मैंने मुझसे किसी ने कही है कि महिलाएं जो हैं उनको आगे आने नहीं दिया जाता शो में, और पुरुष सब लोग आगे घेर के खड़े हो जाते हैं। महिलाओं को आगे आने दिया जाए जब बात साहब बोलेंगे। जी जी जनाब, नहीं 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 नहीं, अगर धर्म की चर्चा हो गई हो तो मुद्दों के ऊपर लौट। जवाब साहब बहुत युवा आदमी है, इन्होंने कहा कि अगर धर्म पे चर्चा हो गई हो तो अब मैं मुद्दों पे बात कर लूं। जवाब साहब मुद्दों पे बात करिए। देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है वो प्रचार प्रसार थम गया और जो 40% सरकार थी वो भी थम गई और कर्नाटक की जनता थामने जा रही है कांग्रेस का हाथ। 2,500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री, 500 करोड़ का जो है इनका मिनिस्टर, और ऊपर से लेकर के 40% तक का भ्रष्टाचार, वहां पर तो साहब खामोश हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर और तमाम जगहों पर ढिंडोरा ये पीटा जाता है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। कार्रवाई किस पर होती है? विपक्षी दलों के ऊपर, लेकिन जब अपने लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। और यही धर्म की पिच पे ला करके फिर से लोगों के मुद्दों को उलझा दिया जाता है। जब महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है तो उस पर चर्चा नहीं होगी, अभी धर्म के ऊपर हो जाएगी तो देखिएगा कैसे पिच के ऊपर निकल निकल के खेलेंगे। हनुमान जी को भी ले आएंगे, भगवान श्री राम जी को भी ले आएंगे, कृष्ण जी को भी ले आएंगे। अरे भाई, सबकी आस्था अपनी है, मुद्दों की बातें करो, जनता की बात करो। जनता ने इसलिए आपको सरकार दी थी कि जनता के हितों की बात होगी, लेकिन बात होती है प्रभु श्री राम जी की। हाँ जी, ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि महंगाई अभी है, बहुत ज्यादा है। जब कांग्रेस की सरकार 70 साल में थी तो उसमें गैस का कितना दाम था और अभी गैस का कितना, उसमें सैलरी कितनी मिलती थी, अभी कितनी सैलरी कितनी मिलती थी। जी जनाब जी, कांग्रेस के ऊपर इतने एलिगेशन लगाए कि भ्रष्टाचार करा। कांग्रेस ने अगर भ्रष्टाचार करा भी तो 450 रुपए में सिलेंडर दिया, इतनी ईमानदार सरकार है, 1,150 रुपए के पार। कांग्रेस में भ्रष्टाचार था तो पेट्रोल 53 रुपए के ऊपर था, इतनी ईमानदार सरकार है, 100 रुपए के पार है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा, दूध 35 रुपए लीटर आता था, आज 70 रुपए दूध लीटर आ रहा है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार, इनकी ईमानदार सरकार में 70 के पार है, कौन जवाबदेही देगा? अगर इतने भ्रष्टाचार थे तो ईमानदारी सरकार सिर्फ तिजोरियां भरी जा रही है अडानी की। रामलीला में रामलीला के सारे पात्र आने चाहिए, ये नाम मिस हो रहा था। मैंने कहा कहां गया नाम, बहुत देर से नहीं आया, आ गया नाम, रुको मैं आ रहा हूं। आराम से पूछो, आराम से चुपचाप खड़े रहो, मैं पूछूंगा तुमसे भी पूछूंगा। पहले तो ये च्युइंगम बंद करो खाना, जिस आदमी को तहजीब नहीं खड़े होने की मैं उससे बड़ा बहुत इरिटेट होता हूं। मैंने च्युइंगम थूक के आओ फिर आता हूं तुमसे। विनय जी, जी देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अभी ये भाई ने बात बोली भ्रष्टाचार की, निश्चित बात है भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन भाई कंबोज जी लेकिन ये सारे ज्वलंत मुद्दे बॉन क्यों हो जाते हैं? किसने बीच में ये बात करी बजरंग दल पे हम प्रतिबंध लगाएंगे? जनाब आप तो खुद सेल्फ गोल करते हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ी यादें ताजा करा देता हूं, कईयों को याद अगर ना हो, देश के बड़े माननीय नेता ने एक नई बात बताई थी हमारे को, नई एबीसीडी सिखाई थी, ए फॉर आदर्श, बी फॉर बोफर्स, सी फॉर कोलगेट, डी का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। बड़ा आसान है हम बोल दें कि ये देखिए फलाना भ्रष्टाचार है, कट कल्चर है, कमीशन ओमिशन, यहां पर सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और आप अगर चर्चा करते हैं संतुलित होकर करें, सिक्के के दोनों पहलुओं को जाकर करें, तब जनता के गले बातें उतरेंगी। ये बात समझिए, देश हम सबका है, हम सब ने ये संकल्प लिया है कि अपने मान मुल्क जिसमें हमें नाज है, फक्र है, उसको महाशक्ति विश्वगुरु बनाना है, मखौल बनाने का विषय नहीं है। और 100 बातों की एक बात, धर्म की अपनी अहमियत है, आस्था की सबका सम्मान करना है हमने, धार्मिक भावना का, और विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगी पैरेलल, ये बात समझ लीजिए। जी 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 कांग्रेस जी, अरे छोड़िए बहस उधर। जी जनाब, हाँ जी देखिए, मैं तो
शुद्ध रूप से आपसे ये बात करें, जिस पर टॉपिक है मैं उसी पर बात करूं। बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव पे बात करिए आप। बजरंग बली को लेकर आज आज मंगल है, मंगल रुको भाई रुको, ऑटो वाले भैया चला वाला के शाम को यहीं खड़े हो जाते हो आगे। जी जी जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम जी। देखिए बात तो होनी चाहिए, जब आप कर्नाटक के इलेक्शन की बात करते हैं तो एक एक विद्यार्थी, एक एक युवा, एक एक किसान और महिलाओं की बात होनी चाहिए। जब ये बात होगी, जब ये बात होगी तो गैस गैस 168% ज्यादा है। आपको जब बात होगी दाल की, किचन की बात होगी तो 168% बढ़ गया। आपको जब बात होगी चावल की तो 133% बढ़ गया। जब बात होगी आपकी कुकिंग ऑयल की बात होगी तो 250% बढ़ गया। तो बात इसकी होगी, जब महंगाई की बात करते हैं, जब राहुल गांधी महंगाई की बात करते हैं, प्रियंका गांधी महंगाई की बात करते हैं, पवन खेड़ा महंगाई की बात करते हैं, तो आप हनुमान मंदिर चले जाते हो। और भी देखो, जब प्रधानमंत्री बात करते हैं हनुमान मंदिर के, तो मैं तो यह भी बता दूं प्रतीक जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, कि जब हनुमान का भी जब पूजा करते हैं तो पहले राम को याद करते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री है, इतने असंवेदनशील प्रधानमंत्री है कि जब वहां पर ये यहां पर पहलवान महिलाएं बैठी है उसकी बात नहीं सुन रहे, जब इसकी बात नहीं सुन रहे तो कर्नाटक की महिलाओं की क्या बात सुनेंगे। तो कहना क्या है कि आप चुनाव लड़े कर्नाटक के मुद्दों पर, ये भगवान राम और हनुमान के नाम पर आप छोड़ दें तो विरोध करते हैं। बजरंग दल को आप बैन करने की बात करते हैं, उस बजरंग दल को जो हिंदू, उस बजरंग दल में जितने भी बजरंग दल वाले हैं सारे हिंदू संगठन है, आप उनका विरोध करते हैं कि हम उनको बैन करेंगे। आपके अंदर की जो पाप भरा हुआ है वो हिंदुस्तान की तरफ। जो मैं फिर से इस प्रोग्राम में पहले भी बोला हूँ, जो भी भारत देश में हिंदू है वो सनातनी है, वो भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान सीता को, रानी सीता जी को भी मानते हैं और हनुमान को भी मानते हैं। और कोई भी अगर ये ठीका लेता है, अगर कोई ठीका लेता है तो वो लोगों को गुमराह करता है। जी इनके कहने से क्या टीपू सुल्तान को मानेगा? रोजगार का करो जी, रोजगार सबसे कम है, ये देश है कि कांधार है, रोजगार के ऊपर होगा सारा मुद्दा, उसके ऊपर करो। हरियाणा, हरियाणा से जी, हरियाणा से मैं समझ गया, मैं आ गया, मुद्दा रोजगार करो जी। जी सर, मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हूँ। अयोध्या से आए हो? अच्छा सर, उसको थोड़ा सा रोजगार के मुद्दे, क्या काम करते हैं बाबू? सर मैं अभी डीएलएड पास सीटेड पास विद्यार्थी हूँ। हाँ जी, डीएलएड पास सीटेड पास विद्यार्थी हूँ और लगभग। क्या हुआ सर? डीएलएड जो टीचिंग के लिए होता है यूपी में, और टेट सीटेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हम लोग 2017 बैच के हैं। तो यूपी सरकार जो, उसे मैं मतलब किसी सरकार बुराई नहीं करना चाहता, बस यही है कि वहाँ बुराई नहीं करे, जो गलत है वो कहो। वहाँ शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, चार साल हो गए। अयोध्या के रहने वाले हो, स्पष्ट बोला करो, बोलो जल्दी बोलो। रोजगार को लेकर वहाँ शिक्षक भर्ती, मतलब कोई भी वहाँ का प्रवक्ता हो वो बात उठाए और शिक्षक भर्ती के लिए यूपी में बात करे। जी मैं आया जी, मतलब नेताओं के चुनावी भाषण के बाद आपको आखिर में एक आम महिला की याद आ ही गई। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है भगवान श्री राम की, तो ये भी एक प्रभु श्री राम की लीला है कि जिनको भगवान राम के अस्तित्व पे शक था, आज उनके सपने में राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बोले क्या बात है, बोले आपके सपने में भगवान राम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, सपना भी मोदी की वजह से आ रहा है। गजब है भाई, जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के विरोध में खड़े होते थे और अपने वकीलों की फौज उतारते थे, आज वो भगवान श्री राम और हनुमान की बात कर रहे हैं वो लोग। और कांग्रेस के नेता इतनी देर से दाल चावल दूध आटा पेट्रोल बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अरे तो आप ही बताइए ना, जहाँ पर आपकी रोजगार आपकी सरकार है वहाँ पर आप सस्ताई क्यों नहीं कर देते, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है, वहाँ पर दूध सस्ता क्यों नहीं है, वहाँ पर जॉब्स क्यों नहीं मिल रही है, वहाँ पर सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं है। तो ये जो रोज यहाँ पे राजनीति करने आते हैं जनता को भटकाने, जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। क्या राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है?
वो गैर राजनीतिक दल है, वो भी तो राजनीति करता है। मतलब इससे पहले 2014 से पहले जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो थे नहीं, 2014 के बाद पहाड़ आए, पहाड़ों के ऊपर बर्फ आई, ये धरती जो थी बिल्कुल चपटी थी, गोल जो है 2014 के बाद हुई, ये देश जो है पहले जो था गुलाम था 2014 के बाद आजाद हुआ। अरे कब तक नैरेटिव चलता रहेगा, कुछ बात करिए गरीबों की। अरे तो आपको किसने रोका था, आपकी सरकार रही इतने सालों, 55 साल आपने कौन से झंडे गाड़े 55 साल तक, 97 साल में भी गरीबी बेरोजगारी की बात करते ये है। आया आया आया, तो कुछ मूड बना आपका, अभी नहीं बना अभी ये कहना चाहते हैं यहाँ पे राम और हनुमान जी की बातें कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी जगह जो मुद्दा है उस पर बात करनी चाहिए। और आपका अभी मूड नहीं बना तो राम और हनुमान पे नहीं, कुछ और मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मैं आया आंध्रा से है ना आप, कैन यू वेट फॉर जस्ट 10 मिनट्स, आई एम कमिंग। वक्त छोड़ा था ब्रेक का, ब्रेक का अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने की पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ था, जिससे वहां दहशत मच गई थी। इस ब्लास्ट में अब NIA की एंट्री से आतंकी मॉड्यूल के होने की आशंका बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा। आतिक अहमद की पत्नी शायस्ता को पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, वो अभी तक फरार है। ऐसे में पुलिस शायस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है और सूत्रों के मुताबिक उस पर अब 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की जा सकती है। अभी उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। खबर ये भी है कि पुलिस ने शायस्ता पर इनाम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही उसे मंजूरी भी मिल सकती है। इससे पहले शायस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। पति की पत्नी शायस्ता परवीन उमेशपाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है और वो उमेशपाल शूटआउट केस के बाद से ही फरार चल रही है। शायस्ता परवीन पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, साथ ही उस पर शूटरों को मोबाइल और पैसे मुहैया कराने का भी आरोप लगा है। शायस्ता की तलाश में STF और SOG की टीम कई जगह दबिश दे चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से ही वो अतीक और असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। वही उमेशपाल हत्याकांड केस में एक बार फिर ED की जांच तेज हो गई है। ED ने अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है और अब ED मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन सभी संपत्तियों को जब्त कराने की तैयारी में है। राजस्व विभाग की मदद से इन सभी संपत्तियों का सत्यापन भी कराया जाएगा और सूत्रों का दावा है कि साल 2012 से 17 तक अतीक अहमद ने इन संपत्तियों को जुटाया था। कई संपत्तियों के खरीद फरोख्त के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए गए थे। ED ने पिछले महीने तमाम कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिससे अतीक से सैकड़ों करोड़ रुपए अलग अलग कारोबार में निवेश कराने का पता चला था। दावा है कि अतीक ने देश के अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति में निवेश किया था। अतीक की चकिया स्थित ससुराल में दबिश के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली थी, उस डायरी में अतीक के द्वारा देश के अलग अलग शहरों में की गई करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी थी। अब ED की टीम इन तमाम इन्वेस्टमेंट का पता लगाकर जांच में जुट गई है। ED को अतीक के रिश्तेदारों के यहाँ की गई छापेमारी के दौरान भी तमाम फर्जी दस्तावेज मिले थे। और उधर अतीक अहमद पर एक और बड़ा पर्दा फाश हुआ है। माफिया सरगना अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा था। अतीक की बेनामी संपत्ति की जांच के दौरान ये जानकारी मिली, जिसमें कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग कर मकान बनाने का मामला अहम है। सूत्रों के मुताबिक अतीक और उसके गुर्गों ने प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को भी नहीं छोड़ा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, उसको पूरा ध्वस्त करके और वहाँ पे जो इबादत की चीजें थी उनको ध्वस्त करके और खुदबूत करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा दिया था, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने कई बार पहले की सरकारों से की, लेकिन उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन योगी सरकार आने के बाद जांच की गई तो अतीक के काले कारनामों की जानकारी सामने आई और अतीक के कब्जे से शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाया गया।
और तो और पिछले दो साल में अति की कई संपत्तियां या तो जब्त कर ली गईं या फिर उन पर बुलडोजर चला दिया गया। शायद यही वजह रही होगी कि वो सीधे अपने या अपने परिवार के बजाय दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी जुटा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि अति की जो प्रॉपर्टी सामने आई वो 2500 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि महज 30% संपत्ति परिवार के नाम है, जिसका मतलब हुआ कि यूपी के बाहुबली रहे अतीक अहमद की 70% संपत्ति पर दूसरों का कब्जा है, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का सरेंडर की याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। पुलिस को इस मामले में प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की, लिहाजा इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। 18 मार्च से फरार चल रही आयशा ने 11 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की याचिका दाखिल की थी। तब से अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस की जांच में आयशा नूरी का नाम सामने आया था। फरारी के वक्त मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ही शूटर गुड्डू मुस्लिम ठहरा था। और इधर माफिया सरगना अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। दी सज्जाद मुगल नाम के ट्विटर यूजर ने ये धमकी दी थी, जिसके बाद प्रयागराज के साइबर क्राइम थाना ने आरोपी ट्विटर यूजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सज्जाद मुगल नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा उसकी हत्या का बदला लेगा। और अब साइबर पुलिस की टीम इस ट्विटर हैंडल की जांच में जुट गई है। और उधर यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। मऊ जिला प्रशासन ने उसके बेहद खास माने जाने वाले आनंद यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद यादव के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस पर बाराबंकी मऊ समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी इनोवा गाड़ी और 2 गाड़ियां और है, करीब 5 लाख से अधिक की संपत्ति का कुर्की का आदेश जारी हुआ है। मुख्तार अंसारी के बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में आनंद यादव भी सहयोगी था। इसके अलावा वो मुख्तार के गैंग IS-191 का सक्रिय सदस्य भी है। उधर मेरठ के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस इनाम की राशि बढ़ाएगी, जिसे 2 गुना कर 5 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव DGP मुख्यालय ने शासन को भेज दिया। अभी बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस की तरफ से 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन वो 2019 से फरार है और अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इसीलिए उस पर इनाम की राशि बढ़ाने का यूपी पुलिस ने फैसला लिया और अब उस पर इनाम की राशि को 2 गुना कर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया। उस पर कई जिलों और राज्यों में 20 से अधिक संगीन केस दर्ज हैं। बद्दो यूपी और पंजाब का बड़ा शराब और भू माफिया रहा है। उसे 3 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। और उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। जांच एजेंसियों को मिली खुफिया रिपोर्ट के आधार पर तलाशी अभियान चलाए गए, जिसमें राजौरी के खाला चौक डांगरी इलाके में सेना के जवानों ने संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक सेना के खुफिया विभाग को इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीती 5 मई को राजौरी के कंडी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अलर्ट पर है और जिले में कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीच में अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट में हुए ब्लास्ट की जांच NIA ने शुरू कर दी है। NIA की टीम ने घटना वाली जगह का मुआयना भी किया। इसके साथ ही NIA की टीम ने पुलिस कमिश्नर अमृतसर और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक NIA की टीम ने फॉरेंसिक टीम के सदस्यों से भी इस बारे में पूछताछ की। इस बीच हेरिटेज स्ट्रीट में हुए ब्लास्ट करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने की पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ था, जिससे वहां दहशत मच गई थी। इस ब्लास्ट में अब NIA की एंट्री से आतंकी मॉड्यूल के होने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में इस्लामाबाद से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान भर में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे PTI कार्यकर्ता। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी के साथ जारी किया वीडियो संदेश। कर्नाटक की जनता से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। राजस्थान कांग्रेस में घमासान हुआ तेज। अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे की तारीफ पर सचिन पायलट का बड़ा हमला। कहा सोनिया नहीं वसुंधरा राजे हैं गहलोत की नेता। इससे पहले शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है।
और वो उमेशपाल शूटआउट केस के बाद से ही फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, साथ ही उस पर शूटरों को मोबाइल और पैसे मुहैया कराने का भी आरोप लगा है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ और एसओजी की टीम कई जगह दबिश दे चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से ही वो अतीक और असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। वही उमेशपाल हत्याकांड केस में एक बार फिर ईडी की जांच तेज हो गई है। ईडी ने अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन सभी संपत्तियों को जब्त कराने की तैयारी में है। राजस्व विभाग की मदद से इन सभी संपत्तियों का सत्यापन भी कराया जाएगा और सूत्रों का दावा है कि साल 2012 से 17 तक अतीक अहमद ने इन संपत्तियों को जुटाया था। कई संपत्तियों के खरीद फरोख्त के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए गए थे। ईडी ने पिछले महीने तमाम कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिससे अतीक से सैकड़ों करोड़ रुपए अलग अलग कारोबार में निवेश कराने का पता चला था। दावा है कि अतीक ने देश के अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति में निवेश किया था। अतीक की चकिया स्थित ससुराल में दबिश के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली थी। उस डायरी में अतीक के द्वारा देश के अलग अलग शहरों में की गई करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी थी। अब ईडी की टीम इन तमाम इन्वेस्टमेंट का पता लगाकर जांच में जुट गई है। ईडी को अतीक के रिश्तेदारों के यहाँ की गई छापेमारी के दौरान भी तमाम फर्जी दस्तावेज मिले थे। और उधर अतीक अहमद पर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। माफिया सरगना अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा था। अतीक की बेनामी संपत्ति की जांच के दौरान ये जानकारी मिली, जिसमें कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग कर मकान बनाने का मामला अहम है। सूत्रों के मुताबिक अतीक और उसके गुर्गों ने प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को भी नहीं छोड़ा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, उसको पूरा ध्वस्त करके और वहाँ पे जो इबादत की चीजें थी उनको ध्वस्त करके और खुदबूद करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा दिया था, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने कई बार पहले की सरकारों से की, लेकिन उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन योगी सरकार आने के बाद जांच की गई तो अतीक के काले कारनामों की जानकारी सामने आई और अतीक के कब्जे से शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाया गया। और तो और पिछले 2 साल में अतीक की कई संपत्तियां या तो जब्त कर ली गईं या फिर उन पर बुलडोजर चला दिया गया। शायद यही वजह रही होगी कि वो सीधे अपने या अपने परिवार के बजाय दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी जुटा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि अतीक की जो प्रॉपर्टी सामने आई वो 2500 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि महज 30% संपत्ति परिवार के नाम है, जिसका मतलब हुआ कि यूपी के बाहुबली रहे अतीक अहमद की 70% संपत्ति पर दूसरों का कब्जा है, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का सरेंडर की याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। पुलिस को इस मामले में प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की, लिहाजा इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। 18 मार्च से फरार चल रही आयशा ने 11 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की याचिका दाखिल की थी। तब से अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। उमेशपाल शूटआउट केस में पुलिस की जांच में आयशा नूरी का नाम सामने आया था। फरारी के वक्त मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ही शूटर गुड्डू मुस्लिम ठहरा था। और इधर माफिया सरगना अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। दी सज्जाद मुगल नाम के ट्विटर यूजर ने ये धमकी दी थी, जिसके बाद प्रयागराज के साइबर क्राइम थाना ने आरोपी ट्विटर यूजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सज्जाद मुगल नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा उसकी हत्या का बदला लेगा। और अब साइबर पुलिस की टीम इस ट्विटर हैंडल की जांच में जुट गई है। और उधर यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। मऊ जिला प्रशासन ने उसके बेहद खास माने जाने वाले आनंद यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद यादव के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस पर बाराबंकी मऊ समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुर्क की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी इनोवा गाड़ी और 2 गाड़ियां और है, करीब 5 लाख से अधिक की संपत्ति का कुर्की का आदेश जारी हुआ है। मुख्तार अंसारी के बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में आनंद यादव भी सहयोगी था। इसके अलावा वो मुख्तार के गैंग IS-191 का सक्रिय सदस्य भी है। उधर मेरठ के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस इनाम की राशि बढ़ाएगी, जिसे 2 गुना कर 5 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय ने शासन को भेज दिया। अभी बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस की तरफ से 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन वो 2019 से फरार है और अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इसीलिए उस पर इनाम की राशि बढ़ाने का यूपी पुलिस ने फैसला लिया
और अब उस पर इनाम की राशि को दोगुना कर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया। उस पर कई जिलों और राज्यों में 20 से अधिक संगीन केस दर्ज हैं। बद्दो यूपी और पंजाब का बड़ा शराब और भूमाफिया रहा है। उसे 3 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। और उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। जांच एजेंसियों को मिली खुफिया रिपोर्ट के आधार पर तलाशी अभियान चलाए गए, जिसमें राजौरी के खाला चौक डांगरी इलाके में सेना के जवानों ने संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक सेना के खुफिया विभाग को इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीती 5 मई को राजौरी के कंडी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अलर्ट पर है और जिले में कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। में अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट में हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने घटना वाली जगह का मुआयना भी किया। इसके साथ ही एनआईए की टीम ने पुलिस कमिश्नर अमृतसर और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने फॉरेंसिक टीम के सदस्यों से भी इस बारे में पूछताछ की। इस बीच हेरिटेज स्ट्रीट में हुए ब्लास्ट करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने की पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ था, जिससे वहां दहशत मच गई थी। इस ब्लास्ट में अब एनआईए की एंट्री से आतंकी मॉड्यूल के होने की आशंका बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आतिक अहमद की पत्नी शायस्ता को पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, वो अभी तक फरार है। ऐसे में पुलिस शायस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है और सूत्रों के मुताबिक उस पर अब 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की जा सकती है। अभी उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। खबर ये भी है कि पुलिस ने शायस्ता पर इनाम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही उसे मंजूरी भी मिल सकती है। इससे पहले शायस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। अति की पत्नी शायस्ता परवीन उमेशपाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है और वो उमेशपाल शूटआउट केस के बाद से ही फरार चल रही है। शायस्ता परवीन पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, साथ ही उस पर शूटरों को मोबाइल और पैसे मुहैया कराने का भी आरोप लगा है। शायस्ता की तलाश में एसटीएफ और एसओजी की टीम कई जगह दबिश दे चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से ही वो अतीक और असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। वही उमेश पाल हत्याकांड केस में एक बार फिर ईडी की जांच तेज हो गई है। ईडी ने अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन सभी संपत्तियों को जब्त कराने की तैयारी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जान राम सिया राम जय जय राम, राम सिया।
जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच इतना चार्जअप कर देते हैं आप कि उसके बाद शो करने का तो मन ही नहीं करता फिर करने का जरूरत ही नहीं रहती मुझे लगता है कि शो तो हो गया खत्म हो गया सबको अपने अपने घर जाना चाहिए थैंक यू सो मच मैं देख रहा हूं आप फोटो खींचते रहिए मुझे एक्चुअली में तनख्वाह इसी बात की ही मिलती है कि सेल्फी आपके साथ खिंचवाऊं मैं और जब तक 150-200 सेल्फी रोज नहीं हो जाती पेट भरता ही नहीं मेरा थैंक यू सो मच कर्नाटक चुनाव से बात शुरू हुई थी मैंने कहा कि आज कहां से बात शुरू करें पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी से जयपुर से जहां पे राजनीतिक रूप से बयान बड़ा आग लगा रहा है या कर्नाटक से जहां पे आज मंगलवार है और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा जहां पे इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया या जो मुद्दा आपके पास हो आपके करीब हो कांग्रेस खड़ी है यहां पर और वो एक बात अपना कहना चाहते हैं मैं जरूर उनसे बात शुरू करेंगे और आपकी जो पैनलिस्ट एकदम नई एकदम जो शरीक होगी कितनी क्या उम्र है आपकी आपकी उम्र क्या है एज व्हाट योर एज फाइव इयर्स यंगर ठीक है अभी मैं थोड़े दिन काम कर सकता हूं इसके मतलब जी कभी कभी शो करने का मन नहीं भी करता है जब आपको ये पता चल जाता है कि ये भक्त लोग जब अयोध्या में हमारे राम मंदिर को गिराया था जब ये पता चल जाता है हमारे राम मंदिर को अयोध्या में गिराया था ये भक्त लोगों ने गिराया था मैं ये बोलता हूँ और जब आपको जो अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको गिराया था जो गिराया था और आपको मैं बताऊं आज कांग्रेस ने मान लिया कि वो विवादित ढांचा भगवान राम का भव्य मंदिर था अब देखिए जब आपको ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि आपका किसके साथ गठबंधन है तो आतंकवादियों के साथ है और इलेक्शन कमीशन उनसे कोई साक्ष्य नहीं मांगता और जब कांग्रेस पार्टी कोई उस पर ब्लेम करती है तो उससे साक्ष्य मांगता है आया जस्ट गिव मी अ सेकंड मैं दो नाम गिनाना चाहूंगा नवनीत राणा अमरावती की जो सांसद और उनके पति रवि राणा ये तो सबको याद होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे उसके बाद क्या हुआ देखिए आस्था का सम्मान करना चाहिए बड़ा जरूरी है एक मिनट बोलने दीजिए आस्था का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने वो विरोध करा था उनका भी हाल जग जाहिर है किसी से छुपा नहीं है महाराष्ट्र में क्या हुआ सत्ता कैसे बदली कौन आज सत्ता पे काबिज है किसको सत्ता से बेदखल हो गए बहरहाल मुद्दा यह है यहां पर ज्वलंत मुद्दे जो हैं रोजगार महंगाई वो बौन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकते रहते हैं अपने वर्चस्व को कायम करने में लगे रहते हैं ये भूल जाते हैं कि इस समय वर्तमान के दौर में हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है G20 की ये स्वर्णिम मौका है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दुनिया को दिखा दें कि हमारा क्या लोहा है और हमने कैसे संकल्प ले लिया है अरे पत्रकार साहब किसी पार्टी का प्रवक्ता मत बन जाइए गिरी साहब है अरे भैया आप हनुमान आप बोलेंगे नहीं ये कितने परेशान हो गए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में जाकर पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री आवास में जाकर करें कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़िए आप मुख्यमंत्री आवास में क्यों पढ़ेंगे इन्होंने बात बोली कि पत्रकार अरे सुन लिए ज्ञान मेरे को किसी से नहीं चाहिए अगर आप पत्रकार की बात कर रहे हैं मैं बोलना चाहता हूँ मुझे पहले बोला गया अरे जनाब 370 की खिलाफत अरे जनाब मैं इसलिए खिलाफत करता हूँ सुनिए 35A की फौजी का बेटा हूँ फौजी का भाई हूँ फौजी का भतीजा हूँ फौजी का भांजा हूँ मेरी बात सुनिए छोड़िए आपसे ज्ञान लेने की बात नहीं है जो बात सही है उसको सही बोला जाए जी देश की राजनीति को धर्म के नाम पर मत तोला जाए जो अभी रिसेंटली अभी जो मोदी जी का शासन चल रहा है वो सनातन धर्म बोलने के लिए चल रहा है ऐसा नहीं है कि जगह जगह हनुमान चालीसा मान लो पढ़ ली जाए मुसलमान जहां रहता है वहां बैठ के नमाज करता है तो हम लोग हर जगह हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते है ना और
देश की राजनीति को भाजपा और कांग्रेस उसको विवादित ढांचा से, अयोध्या के विवादित ढांचे से अलग कर दें, है ना। राजनीति एक तरफ और भगवान की भक्ति एक तरफ। जब हर एक मुस्लिम कहीं भी अपना दस्तरखान बिछा के खाना खा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, तो हिंदू हर जगह हनुमान चालीसा पढ़ने यदि बोल दिया गया तो क्या गलत है जी? आराम से, आराम से, बहुत तसल्ली के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार सोनी। तो देख रही कुमार सौर ज्यादा देखना नहीं, इधर जब बातचीत चल रही है। जी कहाँ से आना हुआ? मैं आ रहा हूँ जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आए। जी क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम वात्सल्य सारथी का सौधन। वात्सल्य सारथी का सौधन। सारथी का सौधन। वाह क्या नाम है साहब, वाह बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा साहब क्या काम करते हैं आप? सर आई एम ए स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं ह्यूज फैन ऑफ यू। आज मेरा पीजी डिप्लोमा टीवी जर्नलिज्म का पेपर था, उसके अंदर एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया था, राइट नोट। एक मिनट, जब मैं बात सुनना चाहता हूँ, पत्रकारों में बात हो रही है, कुछ ये पत्रकार के स्टूडेंट है, मैं जरा बता दूँ, देख लूँ कितना क्या है। अपने बेस्ट शो जो चलता है प्राइम टाइम पे और उसके जो एंकर उनके बारे में लिखे, मैंने आपके बारे में लिखा है, जो कुछ भी मैंने रेगुलर शोज में देखा आपको आज मैंने वही वहाँ पर लिखा है। एंड थैंक यू सो मच, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू, थैंक यू, इतना ही कहूंगा बस। अच्छा शो के बारे में क्या लिखा है ये तो मैं जानना चाहता हूँ। सर इट्स अ गुड शो, अच्छा कन्वे करता है लोगों के साथ और काफी चीजें लोग पसंद भी करते हैं और हमारे उधर तो बहुत ही पसंद करते हैं, मतलब अभी भी फैमिली में चली जी पसंद करते हैं। बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ हुजूर अली, कहीं नहीं रुकूंगा, बीच में कोई आएगा तो गिरा दिया जाएगा। शाहजहांपुर के है ना, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ हुजूर जवाब साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ और कहीं 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 बीच में नहीं रुकूंगा जी। आप थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो। बच्चा कहना चाहता, बच्चा कहाँ से आया है? बच्चा बुलंदशहर से आया। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। क्या करते हो? सर जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ मैं। जर्नलिज्म के आज बड़े स्टूडेंट आ गए भाई, जर्नलिज्म का एक स्टूडेंट आया। एंट्रेंस था क्या आज? आज एंट्रेंस था। किसका एंट्रेंस था? जेएमआई का एंट्रेंस। अच्छा जेएमआई का एंट्रेंस था आज। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब पत्रकार बन रहे हैं। देखो एक भाई पत्रकारिता का एक उसूल है, तलवार की नोक पे चलना है, है ना, बिल्कुल धार पे चलना है। और कैसे कैसे चलना है ये तुम ही जानो, समझो। हम लोग तो चल पाए नहीं चल पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें चलना है जी। हाँ जी बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि बीजेपी सबसे ज्यादा मतलब धर्म पे सियासत कर रही है, ठीक है ना, लेकिन राहुल गांधी जी ने 2014 चुनाव से पहले ये बयान दिया था कि जो लोग मंदिर जाते हैं मत्था टेकते हैं वो बसों में लोगों को छेड़ते हैं, और अब चुनाव से पहले खुद राहुल गांधी जी मंदिरों में घूमते फिर रहे हैं। क्या? अंदर आ, पत्रकारिता का शो करना है या भैया जी का शो करना है? हाँ जी भैया जी आपका। हाँ जी जवाब भाई आप ही के बाद आ रहा था जी। पत्रकारिता की बात हो रही तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पत्रकारिता आजकल बदनाम भी बहुत है, बहुत अफसोस। जैसे नेता सारे अच्छे हैं, धुले हैं दूध के अंदर, कितना अच्छा लगता है। हाँ नेता तो सारे दूध के दूध। लेकिन एक बात है कि अगर कोई ईमानदारी से कहे कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो पत्रकारिता का पहला उसूल है बच्चा कि उसको पकड़ लो बात, क्या कही है उसने, क्यों नहीं, क्यों क्या बात कहना चाहता, सुनो तो पूरी बात जी। बोले मुझे इस चीज का अफसोस भी बहुत था, इसीलिए पहली बात मुकम्मल करी। दूसरी बात कहता हूँ, अभी बात होने लगी फिर धर्म के ऊपर, भाई साहब आपकी सरकार 40% कमीशन लेने वाली सरकार से मैं जवाब लेना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी से, अगर लगाऊंगा उससे वाक्यों से पहले, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर हारती है तो हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी या फिर आप पुराना वही राग जो है जेपी? जवाब भाई आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मैं लगा रहा हूं, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, अगर, तो जीत का सहरा राहुल गांधी के ही सिर बंधेगा, हार का तो मुझे नहीं मालूम बीजेपी किसको देगी, लेकिन जीत का जरूर बंधेगा वहां पे, ये तो मैं कह सकता हूं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर तो है ये, माने आह देखिए अगर
अगर नहीं कांग्रेस परसेंट, कांग्रेस 224 में 200 सीट ला रही है और वो केवल इसलिए लाएगी क्योंकि वो 100% कमिटमेंट की सरकार होगी और पांच जो वादे किए हैं उन वादों पर आएगी। इनके 40% कमीशन खोरी की सरकार जब चली जाएगी तो उसमें आपको मैं बोल सकता हूं कि वहां के युवा, वहां के किसान, वहां की महिलाएं, वहां की सरकार बनाएगी और इसके इसकी सारा उसका ताज वहां के जनता पर होगी। जी आया कंफ्यूज कांग्रेस, करप्ट कांग्रेस। आज कांग्रेस की ये हालत है कि अली बजरंग बली के सामने अली को खड़ा करना चाहते हैं कि अलीगढ़ का ताला लाना चाहते हैं, ये पता ही नहीं कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही है कि वहां राम मंदिर गिरा दिए, कब खुदा खुदाई मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पत्रकारिता का पहला उसूल है, एक मिनट प्लीज आराम से बेटा, कुल डाउन मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। पत्रकारिता का उसूल है, अगर कोई कहे कि बजरंग बली के सामने अली, ये नहीं, मसला ही नहीं है। धर्म जो है व्यक्तिगत मसला है, उसको अपने पास रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैंने अपना एक धर्म है, मैं उसको अपना पालन करता हूं, लेकिन उसके लिए कहीं लड़ मरने की जरूरत नहीं है, उसके साथ अपनी निष्ठा अपने साथ होनी चाहिए। जी आप कहना चाह रहे थे। जी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जाकिर अली त्यागी मेरा नाम है जी, और मैं जर्नलिस्ट हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं इस मुल्क में जो है पत्रकारिता को अंजाम दे रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इस मुल्क की, तो कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, या कर्नाटक हो, या आपका मध्य प्रदेश और हरियाणा, सब जगह बीजेपी ने चोरी से सरकार बनाई है और इस बार देश की जनता उनको सबक सिखा रही है। और मैं यहाँ जो जनता खड़ी है, मैं उसको भी अपने जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता को समझने की जरूरत है कि आप अगर मंदिर के और मस्जिद के मामले में ही उलझे रहेंगे तो आपको कोविड के वक्त जो वेंटिलेटर जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा था, वो आपको आगे भी किसी न किसी महामारी में जूझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि धर्म की बात ना हो बल्कि राजनीति की बात हो। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम जाकिर त्यागी है? नहीं, बात सेक्युलर की नहीं, मैं आपसे बता रही, देश की साझा संस्कृति है। जी जनाब, आपका नाम जानना चाहूंगा। पहली बात मैं आपका फैन हूँ। पहली बात यह कि मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ऋषि, राजेश ऋषि। राजेश ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और गार्ड साहब पानी लेके आएंगे जल्दी से ऋषि जी के लिए। हाँ जी। ओ सर, अरे पानी की जरूरत नहीं है। जी बोलिए। बस कुछ नहीं, बस आपका फैन हूँ। क्या चाहते हैं आप बताइए। आपको मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं आप। ये देश के बारे में जो हो रहा है, कांग्रेस का जो भी है, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है या खराब हो रहा है? गलत हो रहा है, आप बताइए ना। गलत हो रहा है जी। अच्छा ठीक है, बस आपकी अपनी राय है, मैं लेना चाह रहा था। जी जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप सबसे सवाल पूछ रहा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सर जी, जब भी राजनीति होती है बीच में अली और बजरंग बली कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, क्या वोट जनता से लेना है, अली से लेना है, या बजरंग बली से लेना है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुहेल खान है सर। सुहेल खान, क्या काम करते हैं सुहेल? सर मैं अभी घर पे ही रहता हूँ। अभी कुछ घर पे रहे? क्या उम्र है आपकी? सर मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल की उम्र है आपको? जब आप वोट आपने वोट डाला एक बार भी? हाँ सर, एक बार डाला। एक बार वोट डाला है तो जब आप वोट डालने गए थे तो आपने क्या सोचा था? सर मैंने कुछ नहीं सोचा था, जो बस जो सोचा होगा, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा सरकार अच्छा चला रहा है, मैं उसको वोट दूंगा। बस खत्म हो गई बात। ना, यही समझ है, यही सोच होनी चाहिए। जी यही सोच। जी लो लो जी प्रतीक जी, मैं रुकाओ एक मिनट, मन की बात रुकाओ, मन की बात अलीगढ़ वो अमेठी से, फरुखाबाद से, और वो क्या नाम है, नाम भूल रहा मैं तुम्हारा। आतिफ हसन साहब, जब आतिफ हसन साहब की बात पहले सुन लो, किसान है। हाँ मैं मतलब इतनी दूर से आया हूँ फरुखाबाद से, तो फरुखाबाद छलांग लगाया, मैं फरुखाबाद पहुँच जाता हूँ। पैसे खराज होते, पैसे होते नहीं है। बहरहाल वो घर मेरे एक मन में ख्याल अपना खुद का पर्सनल आया। आज सबके सपने में भगवान राम ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, फिल्मी दुनिया की पठान फिल्म आने से पहले मुझे लगता उनकी सारी फिल्में फिलाप हो रही थी, तो उन्होंने कुछ एक एजेंडा चलाया एक पार्टी को, कुछ भाई उन्होंने पैसे दिए हो या क्या सपोर्ट दिया, मुता करिए जल्दी। हाँ तो वो दिया हो तो पठान को, शाहरुख खान को अरबोंपति बना दिया, अब केरल फिल्म आ गई, तो मतलब ये पार्टियों की साठ गांठ मुझे लग रहा है पच और विपच मिलकर के एक प्रोपगंडा चला रहा है फिल्में हिट करने के लिए। नहीं पठान में तो लग गई गठान। जी 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 अब मुझे समझ में नहीं आएगी मुद्दा क्या था। ठीक है भाई। हाँ
जी मैं प्रतीक जी यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज धर्म पे हम बात करें जो धर्म की राजनीति है। भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ पर अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? धर्म की बात होनी चाहिए क्योंकि काम की बात, अरे आपने 55 साल में कौन सा काम किया? आप आज भी गरीबी और बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर इनके क्रेडिट कार्ड आपने क्यों नहीं दूर की? इंदिरा गांधी भी गरीबी दूर करने की बात करते थे और आज ये जनता पे छोड़ देते हैं। राशन जब दिया क्या भेदभाव हुआ? टीकाकरण जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान था वह भेदभाव हुआ? ये तो अपने अपनी सोच है। राजनीतिक भागीदारी कितना दिया मुसलमान को, अब बता दीजिए कितने भाग एक मुसलमान होने के नाते बहुत जरूरी है कि मुसलमानों को बराबर का अधिकार मिले। आप लोग मर्द हो के बहुत देर से बोर्डर में किनारे पे खड़े हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती और ना ही मैं नाम है ऋषि और बीच में कुत्ते आपके लक्षण नहीं है नाम के अनुसार। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं